नमस्कार, आप देख रहे हैं विस्टा न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। ओमिक्रॉन अटैक कर चुका है बहुत बड़े हमले में, हम सबको उससे निपटना है। आप डरिए नहीं, आप निश्चिंत होकर के उसका सामना करिए, क्योंकि हर एक सुविधा हमारे पास उपलब्ध है। हमें खुद पे भरोसा करना है। लेकिन इसके पहले एक बड़ी खबर, और वो बिहार से, कि बिहार में लॉकडाउन की स्थिति पैदा हो गई है। ये हम नहीं कह रहे हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये संकेत दिया है कि आज और कल दो दिन के गहन मंथन और बैठक के बाद लॉकडाउन लगाने पर विचार किया जा सकता है। बिहार में तेजी के साथ संक्रमण फैल रहा है, कोरोना मरीजों की संख्या जिस तरह से बढ़ रही, उससे सरकार की चिंता बढ़ रही है। बढ़ते मामले को देख करके लॉकडाउन लगाया जा सकता है, ये संकेत मुख्यमंत्री ने दे दिया है। नीतीश कुमार ने स्पष्ट किया कि जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं वो चिंता का विषय है। और हम आपको बता दें कि नीतीश कुमार जनता दरबार लगाया करते हैं, उस जनता दरबार में शामिल 14 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी मुलाकात हुई है। और साथ ही एक खबर बता दें कि जीतन राम मांझी परिवार सहित कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। और इधर दिल्ली में 100 में से 84 लोग, अर्थात 84% लोग जीनोम सीक्वेंसिंग में कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ओमिक्रॉन के लक्षण उनमें साफ देखे जा रहे हैं। मतलब साफ है कि देश में जहां जहां कोरोना फैल रहा है, तेजी से मामले बढ़ रहे हैं, ओमिक्रॉन के लक्षण साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। हमें इसलिए इससे घबराना नहीं है, डरना नहीं है, लेकिन एहतियात बरतना है। और एहतियात के तहत अब स्व अनुशासन, अर्थात अपने आप में इतना अनुशासित रखना है जिससे हम इस समस्या से निजात पा सकें। पिछले 1.5 सालों में हमने ये संघर्ष किया है, और इस संघर्ष में हमारी जीत हुई है। हम आगे भी जीतेंगे, क्योंकि ये समस्या सिर्फ भारत की नहीं है बल्कि वैश्विक समस्या है। अमेरिका, ब्रिटेन सहित यूरोप के तमाम देश कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट से इस समय परेशान हैं, वो जूझ रहे हैं। और भारत भी जूझ नहीं रहा है बल्कि हराने के लिए तत्पर है। क्योंकि हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि 15 साल से 18 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है। एक खबर हम और आपको साथ ही बता देना चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने उन सभी राज्यों से कहा है कि जहां पे चुनाव होने हैं, चुनाव समय पर होंगे, और इसके पहले वैक्सीनेशन के काम में वो राज्य तेजी लाएं। तो एक तरह से इस चुनौती का सामना करते हुए हम देश के तमाम उन क्रियाकलापों को और लोकतंत्र के पर्व के उत्सव को मनाने के लिए भी पीछे नहीं हट रहे हैं। इसके लिए संस्थाएं पूरी तरह से तत्पर हो रही हैं। तो हमें रोजमर्रा के जीवन में अपने आप को अनुशासित करना है। अगर आपको कोई समस्या दिख रही है, शारीरिक रूप से बुखार है या गले में खराश है या आपको भूख नहीं लग रही है, याद रखिए, तो आप अपने से दवा ना लें, नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर या चिकित्सक से परामर्श लें। टेस्टिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। अगर चिकित्सक आपको सलाह देता है तो आप टेस्टिंग करवाएं, इससे आप इस समस्या से निजात पा सकते हैं। और दूसरी बात, बूस्टर डोज की सुविधा भी अगर आपको मिल रही है तो प्लीज प्लीज आप उस पर रजिस्ट्रेशन करवाएं और बूस्टर डोज लेने के लिए भी आगे आएं और दूसरों को प्रेरित करें। घबराएं नहीं, डरें जरूर। डरना इसलिए है कि जब आप में डर होगा तो आप अपने आप को, अपने परिवार को, समाज को, इस तरह से पूरे देश को बचाने के लिए कोरोना वॉरियर्स की भूमिका में आ जाएंगे। लेकिन बिहार की स्थिति यह है कि वहां लॉकडाउन लगाने पर भी विचार हो रहा है, मंथन हो रहा है। मुख्यमंत्री क्या कुछ मंथन में तय कर सकते हैं ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन इस समय बिहार पटना से सीधे जिशान अली हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और वहां के सूरत हाल और बैठक के बाद होने वाले संभावित निर्णयों पर वो जानकारी देंगे। जिशान, बहुत बहुत स्वागत आपका। जिशान, क्या सूरत हाल है और क्यों नीतीश कुमार को यह कहना पड़ा कि लॉकडाउन लगाने पर भी विचार किया जा सकता है? आपको बता दें कि जिस तरह
ओमिक्रॉन का ये तीसरा लहर चल रहा है और बिहार में भी कोरोना की संख्या के माने तो प्रति रोज लगभग 100 से ज्यादा मरीज मिल रहे हैं और यहाँ पे मरीजों की संख्या काफी बढ़ गई है। जिसके बाद आज एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बयान दिया है कि 5 तारीख को लॉकडाउन को लेकर बैठक किया जाएगा और सर्वदलीय ये बैठक होगा जिसमें सभी दलों के जो दिग्गज नेता है वो इस बैठक में शामिल होंगे और कोरोना को लेकर जो भी लॉकडाउन लगेगा या लॉकडाउन कब से लगेगा इस पर निर्णय लिया जाएगा। लेकिन जिशान, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पश्चिम बंगाल सहित तमाम वो राज्य कोरोना के इस खतरे या इस हमले को देखते हुए लगभग मिनी लॉकडाउन की स्थिति में अपने अपने राज्य को ला चुके हैं। ऐसा क्या कारण है कि अभी बिहार में मिनी लॉकडाउन की स्थिति नहीं लाई जा सकी है, अर्थात 5 बजे से लेकर के और दूसरे दिन अल सुबह 5 बजे तक एक तरह से कोरोना को देखते हुए लॉकडाउन की स्थिति रहेगी, पूरी तरीके से बाजार बंद किए जाएंगे, रात में या देर रात तक चलने वाली कोई भी सामाजिक गतिविधि उस पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। आखिर में बिहार में इस तरह की रोक या पाबंदियां क्यों नहीं लगाई जा सकी हैं और सीधे तौर पर लॉकडाउन पर विचार किया जा रहा है? लॉकडाउन की बात करें तो अभी बहुत सारे राज्यों में आपने बताया कि नाइट कर्फ्यू लग गई है और बिहार में भी लॉकडाउन नहीं लगने का मुख्य कारण ये भी माना जा सकता है कि अभी पार्टियों में बहुत उथल पुथल चल रहा है। अभी अगर बात करें तो नीतीश कुमार से और या राजद के तो ये दोनों में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और अभी ये कहा भी नहीं जा सकता। कई बार बीच में ये बातें आती है कि नीतीश कुमार के कुछ जो विधायक दल के लोग हैं वो अलग होकर राजद में शामिल हो गए तो लगता अभी ये है कि ये लोग पूरी तरह से अपने सत्ता बचाने पे लगे हुए हैं, इन्हें जनता की कोई परवाह नहीं है और ये लोग चाहते भी नहीं है जनता के हित में कोई काम हो, इसी वजह से लेकिन लॉकडाउन को लेकर डेली टीवी पर सीधी घोषित किया जा रहा है और लॉकडाउन नहीं लगाया जा रहा है। आपको बता दें कि आज जीतन राम मांझी और उनकी बेटी सहित 18 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, बावजूद इसके अभी तक सरकार कोई कठोर निर्णय नहीं ले रहा है। अभी इस सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया जा रहा है, इस पर विचार किया जा रहा है कि बैठक किया जाए तो किस एंगल पे बैठक किया था। लेकिन जिशान, ये भी तो सही है कि एकाएक लॉकडाउन नहीं लगाया जा सकता क्योंकि इसमें तमाम सामाजिक आर्थिक गतिविधियां उन पर एक लगाम कसा जाता है और लगाम कसे जाने के कारण पूरी तरह से आर्थिक स्थितियां खराब होती हैं, ये हमने 1.5 सालों में देखा है। इसलिए पूर्ण लॉकडाउन की स्थिति में किसी भी राज्य को लाने के लिए कई बार सोचना पड़ता है, उसके विकल्प पर विचार किया जा सकता है और वो विचार किया भी जा रहा है। क्या बिहार सरकार इस उहापोह में दिखती है या सिर्फ इसका एकमात्र राजनीतिकरण किया जा रहा है पूरे मुद्दे का? देखिए, आपको बता दें कि अगर बिहार की बात करें तो बिहार में जो मैक्सिमम आबादी है वो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली है और या मिडिल क्लास के लोग हैं, जो यहाँ पे लॉकडाउन किया जाए तो यहाँ बिहार की अर्थव्यवस्था पहले से ही बहुत ज्यादा डगमगाई हुई है। अगर अचानक से लॉकडाउन लग जाता है तो यहाँ पे जो नॉर्मल वे में जो मीडियम क्लास के जो व्यापारी हैं जो उनमें बहुत ज्यादा परेशानी होगा। लेकिन एकाएक का अगर बात करें तो एकाएक लॉकडाउन नहीं लगाते पहले नाइट कर्फ्यू जैसे अदर स्टेट में नाइट कर्फ्यू का इम्प्लीमेंट किया गया था, फिर सार्वजनिक स्थलों पर रोक लगा दिया गया था, ऐसे बिहार में भी लगाया जा सकता था। क्योंकि उत्तर प्रदेश जो बिहार का पड़ोसी राज्य है वहां पर मिनी लॉकडाउन की स्थिति या आप कह सकते हैं नाइट कर्फ्यू का एक बड़ा ऐलान हो चुका है। सबसे पहले कोलकाता में ममता बनर्जी ने बाकायदा बड़ा ऐलान किया, वहां तो लोकल ट्रेन्स पर रोक लगा दी गई है, उनका परिचालन नहीं हो रहा है। बिहार में इतनी देरी क्यों हो रही है ये जानने का कारण है, जबकि संक्रमण का जो दर है और संक्रमित होने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, विधायक और मंत्री तक भी संक्रमित हो रहे हैं। बिहार में अभी जो राजनीतिक स्थिति है कोई भी पार्टी दावे के साथ ये नहीं कह सकती है कि मैं अभी भविष्य में अपना पार्टी से ही रहूंगा और अपना पार्टी को सत्ता में रखूंगा, क्योंकि यहाँ पे पार्टी में जितना तो उथल पुथल हो रहा है, अचानक से लालू यादव की एंट्री होती है, फिर तेजस्वी कप्तान भी, इसके बाद कई बार ये भी हुआ है कि नीतीश कुमार के जो मंत्रिमंडल के कई लोग हैं वो राजद में शामिल होने वाले हैं और कई राजद के कार्यकर्ता जो है वो जदयू में शामिल हुए हैं,
तो ऐसे में जो असमंजस की स्थिति बनी हुई है और ये लगता है कि सरकार काफी परेशानी हो रही है, इसी वजह से मौजूदा जो सरकार है वो ऐसा कोई मौका नहीं देना चाहता है जिससे विपक्ष इनके ऊपर हावी हो और मौजूदा सरकार के हाथ से सत्ता चला जाए। सत्ता जाने के डर से क्या राज्य के लोगों के स्वास्थ्य की परवाह नहीं करेगी नीतीश सरकार, ये आप कहना चाह रहे हैं? ये कहना कहीं से गलत नहीं होगा, क्योंकि अभी अगर बिहार की स्थिति की बात करें दिवाकर, तो बिहार में अभी चौक चौराहे पे अगर आप देखिए ना, तो यहाँ पे 90% लोग अभी ना मास्क का यूज कर रहे हैं ना सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ दिनों पहले एक इम्प्लीमेंट आया था बिहार सरकार की तरफ से कि जो भी दुकानदार हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग की पालन करेंगे और मास्क लगा के रहेंगे और हैंड सैनिटाइजर यूज करेंगे, बट यहाँ पे जो भी दुकानदार है वो इतने लापरवाह, इतने बेपरवाह है। कारण ये है क्योंकि यहाँ पे कोई शासन प्रशासन पूछने वाला नहीं है, और यहाँ पे किसी भी दुकान या मॉल में चल जाइए तो बहुत ज्यादा भीड़ देखने को मिल रहा है और बिना मास्क के लोग एकदम बिना डर के लोग रोड पे घूमते नजर आ रहे हैं। ना कोई सैनिटाइजर है, ना कोई सोशल डिस्टेंसिंग है, यहाँ तक कि सरकारी कार्यालय में भी आप जाइए तो कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, ना कोई एक अधिकारी मास्क के साथ आपको दिखते हैं। तो क्या आप ये भी कहना चाह रहे हैं कि लोग लापरवाह है और उसका कारण है कि वो उदासीन है कि कोरोना अगर आएगा तो आएगा, जब आएगा तो देखेंगे, और शायद आप ये भी कहना चाह रहे हैं कि अगर प्रशासन सख्त हो जाए तो लोग कोरोना गाइडलाइंस सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन करने लगेंगे? देखिए दिवाकर, मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा यहाँ पे, क्योंकि आपने कहा कि यहाँ पे लोग लापरवाह है, लोग लापरवाह नहीं है, यहाँ पे सरकार के जो नुमाइंदे हैं, जो प्रशासनिक महकमा है वो लापरवाह है, क्योंकि वो अपनी ड्यूटी अगर बखूबी निभा दे तो आज के डेट में हर व्यक्ति मास्क सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करता, मार्केट में भीड़ नहीं होता। लेकिन जीशान, ये भारत के लोगों की जिंदादिली भी कह सकते हैं, लापरवाही भी कह सकते हैं, कि जब कोरोना आ जाता है, उसका अटैक हो जाता है, ज्यादातर लोग प्रभावित हो जाते हैं, तब हम सोचने लगते हैं कि हमें कुछ करना चाहिए। लोगों की लापरवाही ना हो इसके लिए जागरूकता की जरूरत है, और जबकि समाचार माध्यमों से, सोशल मीडिया के जरिए लोगों को जानकारी मिल रही है, इसके बावजूद भी अगर लोग उदासीन हैं तो इसे आप क्या कहेंगे? देखिए, लोग यहाँ पे तो लापरवाह है नो डाउट, क्योंकि यहाँ पे जो लोग हैं जब तक सरकारी नुमाइंदे टाइट नहीं होते हैं और इन लोग पे कोई जुर्माना नहीं होता है तब तक ये लोग कोई भी प्रिकॉशन लेने से अपने आप को बचते रहते हैं। लेकिन एक बात और यहाँ पे है कि अगर जब सरकारी अधिकारियों द्वारा ये सूचना जारी कर दिया गया है कि हर व्यक्ति का हर डिपार्टमेंट जो ट्रैफिक पुलिस है वो भी जांच करे कि बिना मास्क के कोई रोड पे ड्राइविंग ना करे, बिना मास्क के रोड पे कोई ना घूमे, लेकिन बावजूद इसके कोई भी ट्रैफिक का अधिकारी जो है वो खुद बिना मास्क के सड़कों पे आप दिख सकते हैं। तो जीशान, ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री को घोषणा करनी पड़ेगी, उसके बाद प्रशासन को सख्त होना पड़ेगा, और तब शायद बिहार के हर एक जिले में यह दिखेगा कि कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का अटैक हो चुका है। मैं आपको बता दूं, अभी जिस तरह से आप देख रहे होंगे पीएमसीएच से लेकर एनएमसीएच में कई जूनियर डॉक्टर से लेकर सीनियर डॉक्टर भी कोरोना ग्रस्त हो रहे हैं, मंत्री जो है वो ग्रस्त कोरोना से पीड़ित हो रहे हैं, लेकिन बावजूद इस पे अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया। इसका साफ ये एक ही बात क्लियर होता है कि सरकार जो है वो अभी जनता जनता पे एकाएक जो लॉकडाउन का प्लानिंग है वो थोपना नहीं चाहती है। तो उसके पहले किस तरह की घोषणा हो सकती है, नाइट कर्फ्यू या कुछ बंदिशों का ऐलान हो सकता है, शनिवार या इतवार के दिन जो है वो मार्केट बंद रहे, कुछ इस तरह की घोषणा की संभावना? अभी जो हम लोग के सूत्र से जानकारी मिल रही है उससे यहाँ से अल्टरनेट मार्केटिंग डेज पहले बिहार में घोषित किया जाएगा और अल्टरनेट मार्केटिंग डेज के बाद फिर पूर्ण लॉकडाउन लगाया जाएगा। अल्टरनेट मार्केटिंग में ये जो मार्केट में जो भी दुकान है उसको डिवाइड कर दिया गया है कि 3 डेज नेसेसरी प्रोडक्ट्स के दुकान खुलेंगे और 3 डेज डेली नीड्स के दुकानें खुलेंगे। बहुत 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 धन्यवाद, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी कि अल्टरनेट मार्केटिंग पर सरकार विचार कर सकती है, और मामले अगर इसी तरह बढ़े तो पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा
नीतीश सरकार कर सकती है। राजनीतिक कुछ अस्थिरता की बात जिशान ने हमें बताने की कोशिश की है, जिसके लिए सर्वदलीय बैठक बुला करके सभी को इस बारे में सहमत करने की जरूरत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महसूस की है, और इसी कारण से सर्वदलीय बैठक और बैठक के बाद मुख्यमंत्री का अधिकारियों के साथ बैठक और उसके बाद किसी बड़े घोषणा की संभावना, और वो घोषणा ये हो सकती है कि बिहार में कुछ दिनों के लिए लॉकडाउन लगाया जा सकता है, लेकिन उसके पहले अल्टरनेट मार्केटिंग और प्रशासन की सख्ती पर जोर होगा मुख्यमंत्री का। तो ये बिहार से एक बड़ी खबर, और साथ ही साथ दिल्ली में जो स्थितियां पैदा हो रही हैं उसके बारे में भी हमने आपको जानकारी दी कि 100 में से 84 लोग जीनोम सिक्वेंसिंग का जो परीक्षण होता है उसमें पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, और ओमिक्रॉन ही उन्हें हो रहा है, उससे वो संक्रमित हो रहे हैं, ऐसी जानकारी हमें मिल रही है। साथ ही साथ कई अन्य राज्य अब इन स्थितियों और परिस्थितियों को देखते हुए नाइट कर्फ्यू पर विचार कर रहे हैं, और हो सकता है कि केंद्र बहुत जल्द ही एक सख्त गाइडलाइंस की घोषणा कर दे, और शायद केंद्र की उस घोषणा के बाद पूरे देश में एक मिनी लॉकडाउन की स्थिति बन सकती है। ध्यान से सुनिएगा, कोई लॉकडाउन की घोषणा अभी नहीं हुई है, लेकिन नाइट कर्फ्यू का एक बड़ा एक्सटेंशन अर्थात उसका विस्तार आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि ओमिक्रॉन का अटैक हुआ है और संक्रमण और संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इसलिए एक बार फिर एवी स्टार न्यूज आपसे अनुरोध करता है कि प्लीज प्लीज आप सैनिटाइजेशन पर ध्यान दें, अपने हाथों को बार बार धुलें, अनावश्यक रूप से सामाजिक गतिविधियों या बाजारों में भाग लेने से अपने आप को बचाएं, जरूरत पड़ने पर ही बाहर निकलें, और अपने आप को बचाते हुए परिवार को बचाएं, इससे समाज बचेगा, देश बचेगा, और हम कोरोना को हराने में सफल होंगे, क्योंकि इसके पहले कोरोना के दो हमलों को हमने झेला है, हमने हराया है, हालांकि उसके कई ऐसे पहलू जिसे हम याद नहीं करना चाहेंगे और वो स्थिति ना पैदा हो, इसलिए प्लीज प्लीज मास्क का इस्तेमाल करें, सैनिटाइज करें, अपने हाथों को बार बार धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। कोरोना गाइडलाइंस का 3 ये फॉर्मूला आपकी जिंदगी को बचा सकता है, हमें अपनी जिंदगी को बचाना है, क्योंकि परिवार और देश के लिए हमें बहुत कुछ करना है। एवी स्टार न्यूज में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एवी स्टार न्यूज, क्योंकि यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। दीजिए इजाजत, नमस्कार।